क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, आप सब जुड़ जाए तब फिर मैं अपनी बात कहूंगा। सबसे पहली बात तो कि रिजल्ट डेट आ गई है, सीजीएल की भी इन्होंने रिजल्ट डेट दे दी 2018 की, और इन्होंने एमटीएस की भी रिजल्ट डेट दे दी है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि 2019 कब होगा, क्योंकि वो तो कोविड पर डिपेंड करेगा, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होगी कि वो भी टाइम पे हो। तो एक चीज मैं कहूंगा कि इस आंदोलन को, इस डिजिटल आंदोलन को एक दिशा देनी है सही, जो भी रिफॉर्म्स हम चाहते हैं कि वेटिंग लिस्ट हो, ये सारी चीजें हमें करनी है। जो भी आपको ये कह रहा है कि इसको बच्चे इसका फेस रहेंगे, बच्चे इसका फेस नहीं रहेंगे, बच्चे इसकी बैक सपोर्ट रहेंगे, फेस टीचर्स रहेंगे, मैं रहूंगा। आप जानते हैं एक रॉकेट को भी अगर ऊपर जाना है ना तो आगे नॉक देनी पड़ती है, एक मिसाइल को भी अगर ऊपर भेजना है तो आगे नॉक देनी पड़ती है, वो नॉक हम हैं। समझ गए आप मेरी बात का मतलब? वो स्पीड बहुत खराब है, लाइव नहीं कर पा रहा हूं। मेरे पास नेट की स्पीड भी है, सब कुछ है, बट मैं फिर भी लाइव नहीं कर पा रहा हूं, सबसे बड़ी बात ये है। और ये जो बेरोजगार हमने चलाया कि हर बच्चा अपने नाम के पहले लगाए, जबकि मैं सब कुछ कर पा रहा हूं नेट से सब कुछ कर पा रहा हूं, बस YouTube लाइव नहीं कर पा रहा। और इससे पहले भी इतनी बार मैंने लाइव किया, YouTube कब दिक्कत नहीं आई। मैं स्पीड भी चेक कर रहा हूं, मेरी स्पीड भी 20 Mbps से ऊपर है, बट मैं लाइव नहीं कर पा रहा, सबसे दुख की बात यह है। चलिए कोई बात नहीं, आप बाद में देख लेंगे, अभी हमें 1% सफलता। देखिए आंदोलन का मतलब यही होता है कि अगर छोटी छोटी चीजें भी मिल रही हैं तो उनको एक्सेप्ट करना है। कुछ भी अगर मिल रहा है, बड़ी लड़ाई जारी रहेगी, बट जो छोटी छोटी चीजें भी अगर हो रही है हमारे फेवर में तो हमें उसका सम्मान करना, रेस्पेक्ट करनी है। ठीक है, आप सब समझ रहे हैं? तो हम इसका फेस है इस आंदोलन का, और हम ही रहेंगे। हम किसी कोर्ट केस में नहीं फंसेंगे, हम किसी भी प्रकार की किसी चीज में नहीं फंसेंगे। बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, जहां 15,000-20,000 बच्चे एक साथ हो जाएं, उनको भी दिशा देने वाला एक इंसान चाहिए। और बच्चों, बच्चे आपस में एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे, इसीलिए टीचर्स का आगे खड़े होना जरूरी है। तो हम सब टीचर्स आप नॉक बनकर खड़े हुए, बस आप पीछे सपोर्ट में रहिए। तो चलिए कुछ चीजें कम से कम सही हो रही है। और मैं फिर से कहूंगा कि पता नहीं मैं यूट्यूब पे क्यों नहीं लाइव कर पा रहा हूं, मैंने ऐसा क्या किया यूट्यूब के साथ कि इतना आप सबका सपोर्ट करने के बाद भी ना हमारी वीडियो ट्रेंडिंग में जा रही है ना कुछ हो पा रहा है। बट कोई बात नहीं, क्या जो होना था, ट्यूब डिलीट हो रहे हैं, कोई बात नहीं, वो तो ट्विटर अकाउंट भी डिलीट कर सकते हैं। बाकी हमें अच्छे अच्छे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। दो न्यूज चैनल वालों से भी बात हुई है जो कि कभी आज तक बेरोजगारी पे नहीं बोले, आज वो भी बेरोजगारी पे बोलने को तैयार है। वो भी आज कह रहे हैं कि आप हमारे चैनल पे आओ और हम इस चीज पे डिबेट करेंगे। तो आज मीडिया भी अब साथ देने के लिए तैयार है। हमने कहा था कि जब मैं वही कह रहा हूँ कि 1% आप सफलता कह सकते हो। अगर रिजल्ट ही निकाला था तो कहते थे 5 दिन के अंदर निकाल देंगे, बट चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, जो भी इन्होंने दिया है छोटा मोटा उसको हम एक्सेप्ट करते हैं और उस चीज का स्वागत करते हैं। बाकी अभी लड़ाई बाकी है और ये थमना नहीं चाहिए जब तक कि सही डिसीजन, सही रिफॉर्म्स, सही फीचर्स हर चीज के, चाहे वो सीईटी हो, ये नहीं बताएंगे हमें, तब तक हम नहीं थमेंगे। और मैं आपके साथ आगे खड़ा हूं, आपको बस पीछे खड़ा रहना है, आपको बैक सपोर्ट में रहना है, फ्रंट में हमें होगा, देखा जाएगा। बहुत अच्छी जिंदगी अब तक जिया, आप सबकी कृपा से आगे भी जिएंगे। और यूट्यूब को भी बोलो यार ऐसे ये क्यों हमारे साथ कर रहा है कि ना हम लाइव कर पा रहे हैं, ना हमारी वीडियो ट्रेंडिंग में जा रहे हैं, बट क्या कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं।